सर कमिश्नर, तुझे लोगों से मिलने डर हो रहा, तुझे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से मिलने डर हो रहा, तुझे पॉलिटिकल पार्टी से मिलने डर हो रहा, तो तू क्यों जक मारने ये कुर्सी पे बैठा है? यहाँ के एमएलए की घटिया सियासत के ये जो नाहेल कॉर्पोरेशन कमिश्नर आया है, इसके कंधे पे बंदूक रखकर एमएलए की चमचागिरी, एमएलए के बेटे की चमचागिरी, तू जाकर एमएलए कनीस फातिमा के घर में बर्तन साफ कर। कसम खा के कह रहे हैं, इन 200 कारोबारियों के साथ नाइंसाफी होने हम यही चले जाएंगे। आपके लीगल सेल में, आपके लीगल टीम में जितने सेक्शन से डाल दो, हम भी लीगल फाइट करेंगे। गुलबर्गा में कितने इलीगल बिल्डिंग्स बने हैं, कितने इलीगल खाते बने हैं, कितने इलीगल लेआउट बने हैं, गुलबर्गा शहर के अंदर कौन से एमएलए के कौन से बिल्डिंग से जनता दल से गुजरते डिटेल देगा। तुम अगर माँ का दूध पिया है तो उनके खिलाफ एक्शन ले। स्ट्रीट वेंडर्स किसी का कोई जात नहीं है, ये तमाम हिंदू हैं, दलित है, मुसलमान है, तमाम जात के लोग इसमें हैं। ये सिर्फ मुसलमान नहीं है, ये सिर्फ कोई दलित नहीं है, ये गरीब लोग हैं। मुसलसल एक महीने से तमाम गुलबर्गा के लीडर्स के पास जाने के बाद उनको इंसाफ नहीं मिला। उसके बाद हमने कॉर्पोरेशन पुलिस कमिश्नर रवि कुमार उनसे मुलाकात करने के लिए हमने जब गए, हमारी पार्टी के जिम्मेदार जब तमाम स्ट्रीट वेंडर्स को लेकर हम जब वहां पर पहुंचे तो पुलिस कमिश्नर साहब ने 2 घंटे तमाम पुलिस के जिम्मेदारों को बुला करके वहां पर बिठाया। 2 घंटे मीटिंग हुई, डिस्कशन हुआ, हमने उनसे मुतालबा किया कि 200 लोग जो सुबह में काम करते हैं और शाम में जाकर अपने बीवी बच्चे के पेट को जो निवाला बना कर देख जाते हैं, उनके साथ नाइंसाफी नहीं होने चाहिए। और पुलिस कमिश्नर मिस्टर रवि कुमार ने इनके जज्बात और एहसास को देखते हुए ये माना कि जो इनको निकाला गया ये गैर कानूनी था, ये इलीगल था। स्ट्रीट वेंडर्स को निकालने के लिए आपको उनको नोटिस देना चाहिए। आपको नोटिस मिला है क्या? नहीं। कोई नोटिस नहीं दिया गया। उसके बाद पुलिस कमिश्नर साहब ये माने, हमारे ट्रैफिक के ये सुधा हाजी एसीपी, हमारे सर्कल इंस्पेक्टर वहां मौजूद थे, सामने बिठाने का जो बात हुई उस पर एग्री हो गए। पुलिस डिपार्टमेंट के लोग आके सर्वे करे, रेडी हो गया। उसके बाद गुलबर्गा शहर की घटिया सियासत, यहाँ के एमएलए की घटिया सियासत, मैं आज तक किसी एमएलए का नाम लेके एहतजाज नहीं करा, मगर आज ये बोलना चाहता हूँ, गुलबर्गा के अवाम को ये बताना चाहता हूँ कि ये जो नाहेल कॉर्पोरेशन कमिश्नर आया है, इसके कंधे पे बंदूक रखकर, जब पुलिस डिपार्टमेंट मान चुकी है, पुलिस डिपार्टमेंट कोऑपरेट कर रही है, तो एक कॉर्पोरेशन कमिश्नर अपने बीच में फड्डा लगा के लीडर की चमचागिरी करते हुए, एमएलए की चमचागिरी, एमएलए के बेटे की चमचागिरी, कॉर्पोरेटर्स की चमचागिरी। अरे कमिश्नर मिस्टर क्या लोखंड है, क्या नाम उसका? कमिश्नर, तू जाकर एमएलए कनीस फातिमा के घर में बर्तन साफ कर। तू जाकर पकोड़ा के घर में झाड़ू लगा, तू जाकर चंदू पार्टी के घर में सलामी दे, मगर इन 200 गरीब के रोजी रोटी के ऊपर खिलवाड़ मत कर। ये जनता दल सेकुलर है गुलबर्गा की आवाम बर्दाश्त नहीं करने वाली, है। पुलिस डिपार्टमेंट साथ दे रहा, ये कमिश्नर को टाइम नहीं मिल रहा। वारे वाप मिस्टर कमिश्नर, 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 कमिश्
तुझे लोगों से मिलने डर हो रहा, तुझे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव से मिलने डर हो रहा, तुझे पॉलिटिकल पार्टी से मिलने डर हो रहा, तो तू क्यों जक मार रहे है कुर्सी पे बैठा है? इलीगल तरीके से गरीबों को दुकान निकाला जाता है, कोई पूछने वाला नहीं है गुलबर्गा में। कदम उठा के कह रहे हैं इन 200 कारोबारियों के साथ ना इंसाफी होने हम जेल चले जाएंगे। आपके लीगल सेल में, आपके लीगल टीम में जितने सेक्शन से डाल दो, हम भी लीगल फाइट करेंगे। हम आपके खिलाफ PIL डालेंगे, आपके खिलाफ कंप्लेंट फाइल करेंगे कि आप किस कानून के तहत हमारे इन गरीब भाइयों की रोजी को निकालने का काम किया है। कौन से कानून के तहत? स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी कहाँ है गुलबर्गा में? कहाँ मीटिंग हुई उनकी? आप बताओ हमको। आगे जाए आजाद स्ट्रीट वेंडिंग कमेटी ले या MLA कुत्तिद्रो या पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव कुत्तिद्रो या कॉर्पोरेशन कमिश्नर अलकुंचिता, अरे पोलिस डिपार्टमेंट और तगदीद्रो, पोलिस डिपार्टमेंट और कुंदरस्ता इदरे दिव्याक बेनी आता इदे मिस्टर कमिश्नर। मिस्टर कमसे इल दीर ताश इंद बड़ोर कुंचिदीवे इंटिमेट मारी दीवी, इंटिमेशन क्वेश्चन स्ट्राइक मार बंद्रे अल्ली नान DC जति मीटिंग नल्ली इदीनि, इदु केळक बर्ता इल्ल नान, आई एम नॉट अवेलेबल। This is the time you can come. No, he is the IAS officer. आप IAS officer है, आपके सिरों पे सिंह है, रख लो आपके सिर पे सिंह, मगर उस सिंह से गरीब के पेट पे मत मारो, गरीब के पेट पे मत मारो। ताकत का मुजाहरा अगर तेरे पास दम है, अगर तुम्हारे को कानून को बचाना है, तो गुलबर्गा में कितने इलीगल बिल्डिंग्स बने हैं, कितने इलीगल खाते बने हैं, कितने इलीगल लेआउट्स बने हैं गुलबर्गा शहर के अंदर, कौन से MLA के कौन से बिल्डिंग्स है, जनता दल सेक्युलर तेरे डिटेल्स देगा। तू अगर माँ का दूध पिया है तो उनके खिलाफ एक्शन ले। गरीब के पेट पे लात मारता है, गरीब के सामने क्या हिमाकत निकालता है? माँ का दूध पिया है तो ये इंसाफ कर, तुझे वार्न कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट बहुत हो गया, रिक्वेस्ट बाढ़ आई थी या बाढ़ मार दी, बाढ़ मारता है जीवे। इधर वो टेंपररी सेमीफाइनल या क्वार्टर फाइनल JDS प्रतिबंध ओणी ओणी होगी मोबिलाइज मारते, निम्न निरंतर वन जन आक्रोश सभी मारती हुए इस कार्पोरेशन लाख मारते, पुलिस और बड़ा ಎಲ್ಲಿ ಜನೋ ಲಾಕ್ ಮಾಡಿ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಾಪ ಪೊಲೀಸರು ನಮ್ಮವರು ಇದ್ದಾರೆ ಆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ನಾವು ಮುಖಾಮುಖಿ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ। ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಅವರಿಗೆ ಮನ್ ಮಾಡ್ರಿ, ನೋಡಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ನಮ್ ನಿಂದಿರ್ಸ್ತಾರೆ। ಯಾಪರ್ ಮುಜೆ ಜಾನಾ ಹೇ ಬೆಂಗಳೂರು ಕೋ ಟಿಕೆಟ್ ಮೇರಿ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಹುಯಿ ಪರ್ವಾ ನೀ, ಜೇಲ್ ಕೋ ಗಯ ಪರ್ವಾ ನೀ, ಯಹಾಂ ಸೇ ಹಟ್ನೆ ಕಾ ನಹೀ। तीन दिन में नहीं तो आज ही यहाँ से सीधा मैं आता हूँ आपके साथ, आपके जो ठेला पंडी है आप जाके कारोबार शुरू करो, वहां पे कुर्सी डाल के मैं बैठ सीधा जेल को ले जा सकते हैं तो लेके जाने दो, देखेंगे। गुलबर्गा की आवाम से भी अपील करता हूँ, गुलबर्गा से अपील करता हूँ, आज इनकी बारी है, कल तुम्हारी बारी होने वाली है, कोई पूछने वाले नहीं है।